जय हिंद। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। किस तरह की कॉपियों का मूल्यांकन करने के दौरान आप सबके एग्जामिनर जो हैं आप सबकी कॉपियों के मार्क्स काट रहे हैं, तो कुछ जगह पे दोस्त दो बच्चों को फेल किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, आप सबको आज की वीडियो में बताएंगे और क्या क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों आप सबको दोस्तों सारे जो डाउट हैं आपके मन में उठ रहे हैं सवाल, सबका दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू से आगे तक देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा। आप सबको बता दें दोस्तों किस तरह के कॉपियों को दोस्तों पूरी तरह से फेल कर दिया जा रहा है, यानी चेक करने के दौरान। देखिएगा, रोल नंबर यदि आप सब अपने कॉपियों में गलत भरे हैं दोस्तों, तो आपका सबकी दोस्तों कॉपियों का मूल्यांकन यानी पहचान नहीं किया जा रहा है दोस्तों, नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह कॉपियों को दोस्तों बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और दोस्तों बता दूं, जिन बच्चों ने अपने कॉपियों में पेपर कोड को गलत भरा है, उन सभी बच्चों के दोस्तों कॉपियों को दोस्तों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आंसर जो है पेपर कोड के अकॉर्डिंग चेक किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे मित्र अगला दोस्तों, जहां पे आप सबका दोस्तों रजिस्ट्रेशन, भाई साहब रजिस्टर में यदि आप साइन नहीं किए तो भाई साहब एब्सेंट दिखा दिया जा रहा है, और उन सभी बच्चों के दोस्तों रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिख कर आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप सबको बता दूं यदि आप सब अपने कॉपियों में व्हाइटनर का यूज किए होंगे, नाम यदि गलत हो गया उसमें व्हाइटनर चला दिया, रोल नंबर गलत हो गया व्हाइटनर चला दिया, भाई साहब आप सबको बिल्कुल फेल कर दिया जा रहा है, क्योंकि व्हाइटनर जो है बैन है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप सब यदि अपने कॉपी में पैसा रखे हैं तो क्या आप फेल होंगे या पास। मित्र इसको दोस्तों हम बता दूं कि आप सब यदि पैसा रखे हो दोस्तों, तो आप सब किसी भी हालत में फेल नहीं किए जाओगे, ये दोस्तों बिल्कुल हमको पता है, आप सबको भी पता हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम इस समय दोस्तों एग्जाम की कॉपियों का मूल्यांकन करने में पूरा दोस्तों हमारा भी लगातार दोस्तों एफर्ट है। ठीक है, लगातार कॉपी हम भी चेक कर रहे हैं, तो आप सबको बता रहे हैं वहां पर किस तरह का दोस्तों काम हो रहा है। अब हम बात करेंगे आंसर बना बना कर यदि आप सब लिखे हैं तो क्या आपको फेल कर दिया जाएगा। मित्र बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मार्क्स आप सबको मिल रहे हैं, आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों किस तरह के मार्क्स दोस्तों आप सबके काटे जा रहे हैं, ये देख सकिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप सबका दोस्तों। व्याख्या यदि आप सब हिंदी का लिख दिए, जैसे कि आप सबको बता दूं कि यदि आप व्याख्या लिखे हैं, संदर्भ और दोस्तों प्रसंग नहीं लिखे हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में मित्र आप सबको मैक्सिमम 2 नंबर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप सब जीवन परिचय भी लिखे और उसमें जन्म और दोस्तों मान लीजिए सूरदास का जन्म कहां हुआ और कब हुआ, ये दोस्तों आप सब गलत लिख दिए, और दोस्तों सूरदास जी का जो जन्म है दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल गलत डाटा दे रहे हो, भाई साहब आपका दोस्तों वहां पे मार्क्स काट लिया जाएगा। सवाल आपने सही किया, आंसर आपने सही लाया, आपका दोस्तों यदि सूत्र गलत है, मित्र आप सबका 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 ही मार्क्स दिया जाएगा, 2 नंबर फार्मूला वाला रगड़ दिया जाएगा, नहीं या काट दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप सबका यदि आप सब फिजिक्स के दोस्तों थियरी की बात करें, यदि आपने लिखा है और उसमें एक बोला है कि सचित्र वर्णन करिए या चित्र के साथ आप सब उसको बताइए और दोस्तों वर्णन करिए, यदि आप ऐसा नहीं किए हैं, आपने थियरी लिख के छोड़ दिया है, तो मित्र आप सबका दोस्तों मार्क्स बिल्कुल 5 नंबर वाले क्वेश्चन का 2 मार्क्स दिया जाएगा थियरी में, और दोस्तों 5 नंबर में दोस्तों 3 नंबर आपका दोस्तों फिगर वाला काट लिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपका बायो और केमिस्ट्री में भी है, यदि फिगर आप सब नहीं बनाया है दोस्तों, तो आप सबका 5 में दोस्तों 3 नंबर फिगर वाला काट ही लिया जा रहा है। ठीक है, अब आप सबको बात कर बता दें, अब प्रैक्टिकल एग्जाम यदि आप सबका छूट गया भाई साहब, तो दोस्तों किसी प्रकार से आप सबको पास नहीं किया जाएगा, कंपार्टमेंट लगना तय। मित्र आप सबका कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में ही लगेगा, इससे ज्यादा दोस्तों सब्जेक्ट में यदि आप फेल होते हो तो मित्र किसी प्रकार से आपको पास नहीं किया जाएगा। आप पूरी तरह से अगला पेपर देने के लिए तैयारी कर लीजिए, आप सबको दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम यानी देना होगा और आप सबको दोबारा एडमिशन लेना होगा, चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 12th में। ठीक है, इस तरह के दोस्तों सारे डाउट आप सबके जो हैं उसको मैंने बता दिया, और नेक्स्ट आपका क्या डाउट है ये भी आप सब कमेंट करके पूछ सकते हो, हम अगले वीडियो में आपको दोस्तों उसको जरूर दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा, दोस्तों कमेंट के माध्यम से भी रिप्लाई मैं लगातार देता रहूंगा। अपने सभी मित्रों प्लीज इस बार जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।